अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलम सीखो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर है 4। मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। हमारे पास ये 5 मैट्रिक्सेस हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम देखते हैं पोर्शन 1, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1। मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया ये है कि मल्टीप्लाई के लिए जो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं उसमें से पहला जो मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के, जो कि हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स होगा। तो हमारे पास पहला जो मैट्रिक्स है उसमें 2 कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए 2 3 1 1 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 3 0। तो अब हम इन सभी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैट्रिक्स की पहली रो को हम कॉलम में चेंज कर लेंगे और इन सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस रो को, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, ये हमने इधर लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब लास्ट वाली रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम लास्ट वाला जो हमारा कॉलम है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 2, 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 1 2 2 प्लस 3 1 3, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये -1 आ जाएगा, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो वो 0 हो जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ तो वो 0 हो गया, और -2 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ तो -6 हमारे पास आंसर आ गया। 0 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो वो 0 हो जाएगा, और फिर -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो भी 0 हो जाएगा। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 प्लस 9 13, -2 में 0 ऐड करेंगे तो वो -2 ही रहेगा। 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, -1 प्लस 0, तो ये -1 ही रहेगा, -6 और ये 0। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे, सो ये हमने दोनों मैट्रिक्स लिखे इज इक्वल टू आंसर, ये जो अभी हमारे पास आंसर आया है। अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में भी हमारे पास 3 मैट्रिक कॉलम हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में, और सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो इन सभी एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को हम इन सभी एंट्रीज के साथ पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। तो पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहली रो को, पहले मैट्रिक्स के पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स की दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये लिखा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसी तरह हम पहले मैट्रिक्स की सेकेंड वाली रो को इन एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, ये हमने इधर लिख दिया। अब इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आएगा आंसर। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये हमारे पास -3 आंसर आ जाएगा।
अब इधर देख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 2 ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 ही रहेगा। लास्ट वाली रो है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 तो ये माइनस का 6 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारे पास 8 आंसर आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 तो हमारे पास 6 आंसर आ गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 प्लस 1 7, इसमें से 3 लेस कर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 प्लस 8 10 प्लस 3 ये 13 हो जाएगा, 4 प्लस 15 19 हो जाएगा और 19 में से हम 6 को लेस कर देंगे तो हमारे पास 13 रह जाएगा, 8 प्लस 20 28 हो गया, इसमें हम 6 और ऐड कर देंगे ये 34 आ गया। तो अब नीचे हम एक लाइन लिख देंगे, ये पहले वाले दोनों मैट्रिक्सेस इज इक्वल टू आंसर जो हमारा अभी हमने फाइंड किया है। तो अब हम करेंगे सी पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को हम कॉलम में चेंज करके इन सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो है 1 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सेकंड रो में करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब थर्ड कॉलम के साथ भी ऐसे ही करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमने लिखा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। सेकंड रो को हम कॉलम बना के तो दूसरे मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम के साथ करेंगे अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमारे पास आ गया। अब लास्ट वाला जो कॉलम है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये लिखा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हमने लिख दिया। माइनस 1 ये लास्ट वाली रो है, इसको हम कॉलम बना के तो इन सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों कॉलम्स के साथ, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमने लिख दिया, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 ही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 हो जाएगा। इसी तरह अब हम सभी को सॉल्व कर लेंगे, 3 वन्स आर 3 4 फोर्स आर 16 3 टूज आर 6 4 फाइव्स आर 20 3 थ्रीज आर 9 3 4 6 आर 24, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो वो 5 ही रहेगा। इसी तरह माइनस 3 प्लस 6 आ जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, 2 प्लस 10 12 3 प्लस 12 15 3 प्लस 16 19 हो जाएगा, 6 प्लस 20 26 9 प्लस 24 33 माइनस 1 प्लस 4 3 आ जाएंगे प्लस के, माइनस 2 प्लस 5 3 आ जाएंगे प्लस के, माइनस 3 प्लस 6 ये भी 3 आ जाएंगे प्लस के। तो नीचे हम एक लाइन लिख देंगे कि जो हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं इनका आंसर इक्वल है ये जो अभी हमने फाइंड किया है, 9 12 15 19 26 33 3 3 3। अब हमारे पास है डी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स में हमारे पास दो कॉलम हैं और सेकंड मैट्रिक्स में दो ही रोज हैं तो ये भी पॉसिबल है, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब पहली रो से स्टार्ट करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। अब 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 ओवर 2 5 मल्टीप्लाई बाय 4
अब लास्ट वाली रो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 ओवर 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, लेकिन 4 के साथ माइनस है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसके ओवर में कुछ भी नहीं है हम वहां सपोज कर लेंगे कि एक है, तो 8 ओवर 1 हो जाएगा। तो ऊपर वाली जो रकमें हैं यानी कि 8 ओवर 1, 8 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और फिर इनको डिवाइड कर लेंगे। मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, डिवाइडेड बाय 2, तो 20 हमारे पास आंसर आ गया, वो भी माइनस में क्योंकि साइन लगा हुआ है माइनस का। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये भी 20 हो जाएगा। लास्ट वाली रो है 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। अब ये 15 कैसे आया है, ये भी उसी तरह है कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और डिवाइड कर देंगे 2 पे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास 15 आ जाएगा माइनस का क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमारे पास प्लस का 16 आ जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस के 20 है प्लस के 14 है तो हमारे पास माइनस का 4 रह जाएगा, ये माइनस 20 प्लस 20 ये ज़ीरो हो जाएंगे, माइनस प्लस 12 माइनस 14 तो हमारे पास माइनस का 4 आ गया, माइनस 15 प्लस 16 हमारे पास 1 आ गया प्लस का। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे, सो ये जो हमारे मैट्रिक्स दिए गए हैं इनको लिखने के बाद बराबर इक्वल है हमारा जो आंसर जो अभी हमने फाइंड किया है। लास्ट वन है हमारे पास ई मैट्रिक्स, तो ई मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी दो कॉलम है पहले मैट्रिक्स के और दूसरे मैट्रिक्स में दो रोज हैं, तो चलें ई को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ई, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब लास्ट वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 हैं सभी एलिमेंट्स, सभी एंट्रीज सेकंड मैट्रिक्स में, सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं वो 0 हैं, लिहाजा 0 के साथ जिस डिजिट को भी मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाता है। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, सभी 0 लिख देंगे और 0 में 0 ऐड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। लास्ट पे एक लाइन लिख देंगे, माइनस 1 2 1 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इलम सीखो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।